पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बिजनौर के नगीना से बसपा सांसद ने कंगना रनौत के बयान को निजी बताया। उन्होंने कहा कि ये उनका निजी बयान है, आजादी तो 1947 में ही मिली है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आजादी ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान बनाने के बाद मिली। सलमान खुर्शीद की किताब पर मचे बवाल पर मायावती जी ही कोई कमेंट करेंगी। वहीं आगामी 29 नवंबर को किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली कूच पर पूछे गए सवाल को बसपा सुप्रीमो पर छोड़ दिया है। आपको बता दें कि बिलारी में बसपा की एक बैठक का आयोजन किया गया था, सम्मेलन के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर विधानसभा बिलारी में 2022 का जब चुनाव होगा, यहाँ से अनिल चौधरी जी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार होंगे। एक सवाल मेरा और था, राकेश टिकैत जो उन्होंने एक संदेश दिया है सभी किसानों को, संयुक्त मोर्चा से 29 तारीख में वो दिल्ली में जाएंगे। पिछला जो अनुभव है वो अच्छा नहीं है, देश का अनुभव अच्छा नहीं है, आपका क्या नजरिया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमने पार्लियामेंट में भी किसानों के लिए उनके 3 कृषि कानून के विरोध में हमने इस सत्र में उनका पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। प्रत्येक दिन सुबह ठीक 10 से 10:30 बजे तक हम डेली किसानों के हितों में 3 कृषि कानून के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन पार्लियामेंट के गेट पर करा करते हैं। मेरा सवाल ये था कि ट्रैक्टर रैली को क्या सपोर्ट करते हैं? ट्रैक्टर रैली हमारी नेता करेंगे, ये काम आदरणीय बहन जी का है। एक सवाल और था, सलमान खुर्शीद जी ने एक किताब लिखी, वो बवाल मचा हुआ हिंदुत्व को आईएसए से उन्होंने सुंदर बताया है, आपके आपका क्या नजरिया इसमें? आदरणीय बहन जी अपनी बात देंगे, मैं नहीं दे सकता। सर 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 एक आखिरी सवाल है सर, आप लोग बसपा से जो है मतलब लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो है जो देखा जा रहा है जो बड़े बड़े चेहरे हैं बसपा के, वो लगातार बसपा छोड़ते जा रहे हैं, किस तरह से बसपा देखती है? बसपा नेता बनाने का काम करती है, और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ है, किसी नेता के साथ नहीं। नेता कितने भी चले जाएं, लेकिन जनता बहन जी के साथ है। मतलब आप संदेश नहीं दे सकते यहाँ से? मैं किसानों का सवाल पूछ रहा हूँ। मैं नहीं, जो 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 काम मेरा नहीं है, आदरणीय बहन जी का संदेश देने का काम करेंगे, जो आदरणीय बहन जी संदेश देंगे उस पर हम लोग काम करें। काम करें रावत ने कल एक मैसेज दिया है कि 1947 में नहीं आजादी मिली, 2014 में मिली है। वो उनका व्यक्तिगत क्या नाम है अपना स्टेटमेंट है, आजादी 1947 को मिली थी, वो अपना जाने, उनको आजादी नहीं मिली होगी। लेकिन अगर महिला को किसी ने आजादी दी है तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान से मिली है, शायद उनको पता नहीं है। पहले महिला को अधिकार भी नहीं था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना आज जो हीरोइन बनी घूम रही है कोई अधिकार नहीं था। ये अधिकार मिला है तो आदरणीय परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान की बदौलत मिला है। कैसे समर्थन कैसे कर रहा हूँ परम पूज्य बाबा साहब के? 1947 नहीं, संविधान 1947 आजादी मिली, आज की बात नहीं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।